लिसन बॉय एंड पे योर अटेंशन ओवर हियर, फॉस्टर मेंटल अजाइलिटी एंड क्रिएटिविटी इन लाइफ। देखो, जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश एंड इफ यू आर यूजिंग फ्रेजेस एंड इडियम्स राइट, देन यू आर मेकिंग योर लैंग्वेज वेरी डीपर। यू आर मेकिंग योर लैंग्वेज वेरी मीनिंगफुल। यू आर मेकिंग योर लैंग्वेज वेरी पॉइंट टू पॉइंट राइट। जैसे कि फ्रांसिस बेकन ने बोला है, ब्रेविटी इज द विट ऑफ ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। संक्षिप्तता अक्लमंदी की निशानी है, यानी गागर में सागर। इन फ्यू वर्ड्स मीनिंग इज मोर, और इफ यू वॉन्ट टू से इन फ्यू वर्ड्स मीनिंग इज मोर, देन यू कैन यूज idioms एंड यू कैन यूज phrases। या तो phrase यूज करें या मीनिंग idioms यूज करें राइट। इफ यू आर सर्चिंग ओनली द वर्ड्स टू से योर पॉइंट, देन यू आर टेकिंग मैनी वर्ड्स। तो आप बहुत सारे शब्द ले रहे हैं, बट स्टिल मीनिंग इज नॉट क्लियर। तो ये है कि फोस्टर मेंटल अजाइलिटी एंड क्रिएटिविटी इन लाइफ। क्या मीनिंग होता है फोस्टर? फोस्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन राइट, STRENGTHEN। स्ट्रेंथन का मतलब जानते हो? मजबूत करना। इसको सीमेंट भी कह सकते हैं। सीमेंट का मतलब क्या होता है? मजबूत करना, तभी तो सीमेंट नाम रखा है इसका। अजाइलिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? चंचलता राइट। एंड क्रिएटिविटी, इफ यू हैव क्रिएटिविटी, इफ यू हैव अजाइलिटी राइट इन योर लाइफ, ऑलवेज योर लाइफ इज ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपकी ज़िंदगी में अजाइलिटी है और क्रिएटिविटी है, तो आपकी ज़िंदगी हमेशा सही ट्रैक पे है। तो हमने इसका फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना, मेंटल अजाइलिटी, अपनी जो अजाइलिटी है, जो चंचलता है, उसको और मजबूत करो, स्ट्रेंथन। ये स्ट्रेंथन जो है वर्ब के रूप में स्ट्रेंथ, उसी में ई एन लगा दो लास्ट में तो स्ट्रेंथन हो जाता है। स्ट्रेंथन का मतलब होता है ताकतवर बनाना। और यू कैन स्पीक कि आई एम सीमेंटिंग, आम सीमेंटिंग, आम स्ट्रेंथनिंग, आम फॉस्टरिंग मेंटल अजाइलिटी एंड क्रिएटिविटी राइट। तो आर यू स्ट्रेंथनिंग योर मेंटल अजाइलिटी एंड क्रिएटिविटी? जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक पोइम लिखी थी कि चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। पहली लाइन है इसकी, यू आर ए विक्टिम और विक्टर, चॉइस इज योर्स। आप खुद को पीड़ित मानते हैं क्या मानते हैं, या विजेता मानते हैं, चॉइस आपकी है। यू आर ए बेगर और बिगर, चॉइस इज योर्स। आप खुद को भिखारी मानते हैं या बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेने वाला मानते हैं, चॉइस इज योर्स। ये क्या है? एक प्रकार की क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है किसी नए विचार को पैदा करना, किसी नई चीज़ को पैदा करना, वट एवर यू आर डूइंग, बट समथिंग योर माइंड इज क्रिएटिंग। आपका दिमाग कुछ पैदा कर रहा है राइट। एंड क्रिएटिव माइंड इज वेरी गुड माइंड। क्रिएटिव माइंड इज वेरी गुड माइंड, बिकॉज माइंड इज वेरी पावरफुल। माइंड वॉन्ट्स समथिंग टू डू। इफ यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू डू, माइंड विल गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। दिमाग गलत दिशा में चला जाएगा अगर कुछ करने को नहीं दोगे उसके लिए तो। और अजाइलिटी कहते हैं चंचलता। कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप डूइंग इन योर लाइफ, कीप स्टेपिंग। स्टेपिंग का मतलब है चढ़ते रहना सफलताओं की तरफ राइट।
तो अगर इस वर्ड को हमें अपनी लाइफ में याद रखना हो, जैसे कोई भी फ्रेज, कोई भी idioms अगर आपको याद रखना है तो उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर लो, और इतनी बार यूज़ करो, टंग प्रैक्टिस इतनी बार करो, इट वुड बी टिप ऑफ द टंग, आपके जुबान के आगे वाले हिस्से पर आ जाएगी। समटाइम यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट, पीपल आर सेइंग कि आई नो बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉइल, मुझे पता तो है बट याद नहीं आ पा रहा है मुझे। I am not able to recoil. वो कैसे आएगा? टंग प्रैक्टिस। अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़्यादा यूज करिए टंग प्रैक्टिस। जस्ट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, यू आर लिसनिंग, इट इज़ ओके, यू लिसनिंग ऑल द वीडियोज, वट एवर यू आर लिसनिंग, बट लिसनिंग इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज स्पीकिंग इज इम्पॉर्टेंट। मोस्टली पीपल आर सेइंग कि यस आई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग, I can understand each and everything, but same way I can't give the answer because just they are listening, they are not speaking. Action is must in life. Action is must in life. If you are doing action, if you are doing tongue practice, one day you can speak. You can speak anywhere, any situation, any place in your personal life and professional life. Mostly people, they are sitting very hi-fi chairs. They are managing very big posts in private sector, but still they are not able to speak properly. They are not able to speak properly because lack of practice. Just you are thinking in your mind. जैसे होता ना कभी कभी, मैंने एक मूवी देखी थी जेटली की, उस मूवी में क्या था कि एक विलेन था और जो जेटली था वो दोनों की लड़ाई हो रही होती है बहुत तेज, राइट, बहुत तेज, दे आर फाइटिंग, बट एक यहाँ बैठा हुआ है और एक वहाँ बैठा हुआ है, एंड दे आर फाइटिंग इन माइंड, और वो कहाँ है, दिमाग में लड़ रहे हैं, राइट, दे आर फाइटिंग इन द माइंड, दे आर फाइटिंग इन द माइंड। तो कहते हैं कि दे वर फाइटिंग लेकिन माइंड में लड़ रहे थे, मतलब जो दिखा रहे थे उसमें मूवी में वो तो दिखा रहे थे, बट वन इज मेडिटेटिंग हेयर, क्योंकि दिमाग उनका तेज चल रहा था। वैसे कभी कभी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, बट दिमाग की चीज़ें एक्शन में भी तो आनी चाहिए। यू आर मेकिंग बिग प्लानिंग्स इन योर लाइफ बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, तभी तो कहते हैं एक्शन स्पीक्स फास्टर देन स्पीच इन लाइफ। What you are thinking, what you are planning, right? That is not important. Action is important. Result is important. Right? In private sector, emotions are not counted. Relations are not counted. Feelings are not counted. What is counted? Only result is counted. That's why All the time, work should be result-oriented. Result-oriented काम होना चाहिए, right? तो इसको अगर आपको याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आर यू फॉस्टरिंग मेंटल अजाइलिटी एंड क्रिएटिविटी इन लाइफ? आप बोलोगे 101%। बोलिए 101%, आई एम फॉस्टरिंग मेंटल अजाइलिटी एंड क्रिएटिविटी इन लाइफ। तो कहते हैं हाउ, जब इंग्लिश हमें पूरी बोली जाती है परफेक्टली, यू आर इन स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज देयर, आफ्टर दैट नो नीड टू स्पीक द ऑल डायलॉग्स फुल इज देयर, जस्ट यू कैन गिव द स्लाइटली हिंट ओनली। हाउ, हाउ मीन्स हाउ यू आर, नो नीड टू स्पीक फुल, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। आप कैसे कर रहे हो तो आप बोल दोगे कि राइट नाउ आई एम राइटिंग स्मॉल पोएम्स, छोटी छोटी पोएम्स लिखता हूँ। आई एम राइटिंग
wherever I go as a wandering, I write my experience of past life, whatever you are doing, if you are using your creativity, then you can remember. अगर आपने इसको चार पांच बार यूज कर लिया अपने डायलॉग्स में, you can never forget in your life, जिंदगी में कभी आप भूल नहीं सकते इसको. You can never forget in your life. And it is the very good ways there ki if you want to master and blast off any language, first of all, you should start the practice to do and do more and more practice regular with the proper way. Keep watching, keep doing, keep learning. Right? Because English language is a global language. Even you're standing on the local platform or you're standing on the world platform, both ways you can present yourself in a English language. It is working in local way, it is working up to the international level. Right? So okay, thank you.